ने दिया हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। कितना सही कहा कहने वाले ने। कहने को तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क है, लेकिन यहाँ के बाशिंदे एक ही हैं। सिनेमा और क्रिकेट हमें जोड़ता है, राजनीति और धर्म हमें तोड़ते हैं। जब मैं पहली बार किसी पाकिस्तानी से नेपाल में मिला तो ऐसे लगा जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिले हों। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। यार आप लोगों को पता ही नहीं है, इधर इतना बड़ा बॉलीवुड का एक फैन है, पाकिस्तान से आया है अमित को गाना सुनाने के लिए। तो मेरे अमित भाई, हम आपको आज कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? जो तुमको हो पसंद। जो तुमको हो पसंद। यार कुछ सफर से रिलेटेड होना चाहिए। मैं गाने पे मुझे बोलने मत दो। जिंदगी का साथ निभाता। आहा, मोहम्मद रफी की आवाज रखते हैं। वाह क्या बात कर दी। हम यहाँ से गाते हैं नाज़रीन। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और हंसते गाते यहाँ से गुजर दुनिया की सॉन्ग था डेडिकेटेड हमारी दोस्ती को और इस सफर को जिस पर निकले हम सब एक साथ। ये है बिलाल आजम लाहौर पाकिस्तान से। ये भी एक यूट्यूबर है, इनके चैनल का नाम है बीइंग अ ट्रैवलर, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे बॉलीवुड के सॉन्ग में अंताक्षरी में कोई हरा नहीं सकता। ये अमित भाई को भी चैलेंज है और रिली में देखो। तो इंडिया में काफी लोगों को नहीं पता होता और लोग समझते हैं कि पता नहीं पाकिस्तानी लोग इंडियन मूवीज देखते हैं या नहीं। तो मेरी जो बेस्ट मूवी है पाकिस्तान में की अभी तक। अच्छा वो कौन सी? वो है मोटरसाइकिल गर्ल्स। मोटरसाइकिल हाँ रिलीज हुई है। मेड मी क्राइड मैन, सो ग्रेट मूवी, व्हाट इमोशनल टच द गिव टू दैट ट्रिप। बहुत बढ़िया था। और मैंने इतनी मूवीज देखी है पाकिस्तान की। अभी पाकिस्तान की मूवीज काफ़ी अच्छी आ रही है। और वो क्या इंडिया में भी रिलीज हुई थी आपने? इंडिया में पाकिस्तानी मूवीज रिलीज नहीं होती है। हम लोग अच्छा इंडिया में नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान में वो बॉलीवुड की रिलीज होती है और हम बहुत शौक से देखते हैं भाई। अभी आई विश के यहाँ पे भी हो पाती, पर थोड़ा स्लो है क्वालिटी पे, थोड़ा और काम करेंगे। क्वालिटी का है बिल्कुल इशू है क्वालिटी। जब हम लोग भी देखते तो मैं यूट्यूब पे ना 1.5 की स्पीड बढ़ा के देखता हूँ ताकि वो पेस मैच हो जाए। नेपाल की गलियों में सड़कों पे देखिए किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान दोस्ती का गाना गाता हुआ। ये जज्बा ऐसा ही है दोस्तों। हंसते गाते यहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते यहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। ऐसी बात से क्या घबराना, यहाँ कर क्या हो किसने जाना। मुंबई जा रहे हैं।
जाते हैं, लाहौर आते हैं और पंजाबी वाला उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, और बहुत ही जैसे कहते हैं खुली जुबान लाहौर की, ऐसी जुबान है कि पसंद है लाहौर के लोगों का, कहा जाता है जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर। तो यहाँ पे जो एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना लाहौरियों के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए लाहौरी फेमस है पूरे पाकिस्तान में, वेलकम इन और हॉस्पिटैलिटी के यार दिल बहुत बड़ा है यहाँ के लोगों का, वो वाला लैंग्वेज में भी नज़र आता है, ऐसी खुली जुबान बोलते हैं, पंजाबी इंग्लिश उर्दू हिंदी का मिक्सचर मिला के वो अपनी वो मज़ेदार चीज़ बन जाती है कि लोग कहते हैं यार इन्होंने क्या कर दिया यार लैंग्वेज को, लेकिन लोग इन्जॉय करते हैं। इज़ अ मिक्सचर ऑफ पंजाबी एंड सिंधी, तो पंजाबी सराइकी से निकली है और सिंधी भी सराइकी से निकली है, बिकॉज ये दोनों पर्शियन सराइकी जो है ना कम्बिनेशन ऑफ सिंधी एंड पंजाबी है। तो जो हमारा मुल्तान बहावलपुर वाला एरिया है ये सारा सराइकी है, अगर आप बिल्कुल कोस्टल कराची वाली साइड उधर चले जाते हैं तो वो सिंधी है, पंजाब में हमारे लाहौर वगैरह आ जाते हैं तो पंजाबी, नॉर्थ में जाते जाएँ तो फिर पहले हिंदको आती है, लाइक इस्लामाबाद में जो हिंदको पंजाबी का एक वर्जन है, लाइक हम कहते हैं ना, हम जैसे बोल रहे हैं ना कहाँ जा रहे हो उर्दू कितने चल रहा है पंजाबी कहते जासो कहते जासो हिंदको, और फिर जो कश्मीरी है वो हिंदको से निकली है, कश्मीरी इज लाइक काइंड ऑफ हिंदू। हमें जितनी भी हिंदी आई है ना सच में वो करोड़पति देख कर ही आई है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हे अर्जुन तू अपने कर्म पे ध्यान दे जिसको करने के लिए तू उस धरती पे आया है, फल की चिंता मत कर, फल की चिंता तेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना तो तू लेकर आया था ना कुछ तू साथ लेकर जाएगा, हर चीज में सेम ही मैसेज है, वो भी आगे भी चेंज हो जाता है। शराबी ये दिल हो गया दिल में मेरे अब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे पिदा जो मैं हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या करूं मैं दिल रुबा चला ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया शराबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। देखिए जब मिलता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो होती है ऐसे क्रेजी टास्क, हमने नया वर्ड बना दिया क्रेजी से क्रेजाई टास्क, क्रेजाई टास्क। तो ये है ये कुमारी माता का मंदिर कहते हैं इसको, कुमारी घर बोला जाता है, तो एक लड़की है गर्ल कुमारी कुमारी तो हमारे बॉर्डर में भी जितनी भी हिंदू गर्ल्स हैं ना उनके नाम उनके साथ कुमारी भी कुमारी। ओके सो गॉडेस का घर होता था ये, यहाँ बैठ करके वो खिड़की में दर्शन देती थी उनको और लोग देखते थे। मुझे एक चीज बताओ जिस जो गॉडेस का कंसेप्ट होता है वो लाइक पाइस लेडी या पाइस ह्यूमन बींग उसी को गॉड उसी को कहते हैं गॉड, या जैसा हमारे लिए गॉड इज अल्लाह एंड ही इज इनविजिबल बट इन योर फेथ गॉड इज समवन हु इज टीचिंग और प्रीचिंग समवन ऐसे है हमारे यहाँ पे गॉड और गॉडेस दो तरह का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। गॉड में आप ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और इस तरह के बहुत सारे गॉड्स हैं। सिमिलरली उनके जो फीमेल पार्ट है शिव जी के साथ पार्वती विष्णु के साथ लक्ष्मी तो वो गॉडेस है ये गॉड है। अच्छा अब जब जब गॉड को इंसान क्रिएट करता है ना तो वो अपने जैसे ही क्रिएट करता है अल्टीमेटली तो एक सुप्रीम पावर है जिसको सब मान के चलते हैं। अब उस सुप्रीम पावर को रिजेंबल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मूर्ति या कुछ चाहिए था है ना, जैसे वो पीके फिल्म में चाहिए था ये खाली मूर्ति है इसके थ्रू बात करके फिर हल्का होता है ना वो सुनता है इसके थ्रू ट्रांसफर फिट किया है कहते हैं ट्रांसफर फिट नहीं होता। अच्छा तो यहाँ पे रिजेंबलेंस है सबके सब मेल और फीमेल, तो हमने कहा कि भाई क्रिएट करने वाले तो ब्रह्मा हो गए उन्होंने धरती बना दी, अब बना तो थी बनाना काफी नहीं है ना, और ब्रह्मा अगर बनाएंगे क्रिएट करेंगे तो चलाएगा कौन,
तो चलाने का काम दिया गया विष्णु को. ओके. अब जब चल रही है चीजें सब ठीक हो रहा है तो भाई अब एक टाइम आता है जब टाइम आ गया सबका जाने का टाइम है तो उसको डिस्ट्रॉय करने कौन आएगा. तो उसके लिए महेश शिव शिवा महेश कहिए शिवजी कहिए शिवा कहिए वो आए तो तबाह कर दिया या अभी वो तबाह करेंगे समथिंग लाइक दैट. टाइम टाइम पे चीजें होती रहती है ना. अच्छा. लाइफ एंड डेथ पैरेलल चलता है. ओके. जिसका भी चल रहा है किसी भी चीज का यानी फॉर एग्जांपल ये मंदिर भी तबाह हो गया समथिंग लाइक दैट. हर चीज जो क्रिएट की गई है कुछ टाइम तक जिंदा रहती है फिर खत्म होती है. साइकिल है. एक डिस्ट्रॉयर है. यस. और एक क्रिएटर है. लेकिन लेकिन एक पालने वाला वो कौन है. पालने वाला विष्णु. एक है ना वो उसकी अपना एलिफेंट की शेप में आता है गणेश. वो गणेश है. वो क्या है. ही इज द सन ऑफ शिवा. सन ऑफ शिवजी के जो बेटे. लेकिन वो फिर वो क्या ऐसे एनिमल का उसके साथ क्या है. लेकिन बहुत सारी स्टोरी चलती हैं. सही है. सच भी है झूठ भी है और बनाए गए भी इमेज भी है. मैं अगर फील करूँ ना अपने तरफ से तो मुझे लगता है कि एक आदमी का बिजनेस अच्छा चल रहा था. एक कंपनी खुली हुई थी. कुछ टाइम बाद लोगों को लगा यार मेरे को भी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है. यार, तो क्रिएटेड अनदर गॉड. क्या बात कर दिया है. सेम हमारे अंदर है. सेम. दी क्रिएटेड अनदर गॉड. तो बोलो शिवजी है तो शिवजी का बेटा पैदा करता है. बेटा पैदा करता है. भगवान था ना. तो जीसस बेटा बन के आ गया. जीसस बेटा बन के आ गया. तो सेम यहाँ पर है. तो ये मुझे लगता है कंपनियां खोली गई थी बाद में ब्रांचेस खोली गई क्योंकि नीड ज्यादा थी रिलीजन वाले बिजनेस. और वो जो डर है ना एक इंसान के अंदर जिस तरह उसने दिखाया है मुझे पेपर में पास कर दिया वो घूम घूम के आ रहा है वो उसने सांप को खड़ा कर दिया उसने पत्थर को खड़ा कर दिया. वो जो एक ह्यूमन फियर है ना किसी भी चीज़ का कि मेरी तमन्ना पूरी हो जाए मेरी ख्वाहिश वो चीज़ मेरा ख्याल लेकर चलती है ज़्यादा. ये डर ही इंसान को. देखो हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दो ही चीज़ें हमें लेकर चलती हैं शेयर मार्केट में ग्रीड और फियर. आइदर ग्रीड होकर के आप काम करते हो या फियर में काम करते हो. तो ये जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है ना सबकी बात करता हूँ नॉट ओनली फियर ये फियर के ऊपर चलता है और ग्रीड पे भी चलता है. ये सेम कॉन्सेप्ट है. दोनों चीजें दोनों पे चलता है पर मेजरली फियर. फियर पे बिजनेस करना आसान. तो यहाँ जो गणेशा की आप बात कर रहे हैं ना. हाँ अच्छा. वो गणेशा इज अनदर. उसको बताया गया जैसे कि जीसस क्राइस्ट उनके बेटे थे. अच्छा. गॉड के बेटे हैं अपना बेटा भेजा. अच्छा. तो यहाँ पे एक और गॉड चाहिए था तो मुझे लगा तो वो लेकिन एनिमल की उसमें क्यों आया यानी एनिमल की उसमें क्यों आया तो वो ह्यूमन शेप नहीं था. अच्छा. वो तपस्या करने गए थे पीछे से पार्वती ने कहा कि मैं अकेली हूँ मेरा दिल कैसे बहले. अच्छा. तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से गुड्डा बनाया और क्योंकि वो गॉडेस थी पावर थी तो उन्होंने उसमें जान फूंकी. Okay. तो जीता जागता बच्चा उनके पास आ गया. उनका भी दिल लग रहा था. okay. बच्चा थोड़ा बड़ा होगा अब क्योंकि पार्वती के उससे बना था तो पावर उसमें बहुत ही उनका आशीर्वाद था. तो जब वो वापस आए शिव जी और वो अंदर जाने लगे अपने गुफा में घर गुफा में रहते थे घर पर तो उन्होंने देखा ये जिसने कहा कि आप रुक जाओ अंदर जा नहीं सकते आप मेरी अनजान आदमी को मेरी माँ ने अंदर आने से मना किया क्योंकि वो नहा रही है. पार्वती नहाने के पहले बोल के गई थी देखिए बेटा मैं नहाने जा रही हूँ किसी को अंदर आने मत देना है ना. तो उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते. शिवजी कहता मेरा घर मेरी बीवी और मुझे आने से रोक रहा है तो है कौन. कहते मैं उनका बेटा हूँ. कहते मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ. तो जब दोनों में झगड़ा हुआ लड़ाई हुई शिवजी ने उसकी गर्दन कट दी. ओके. अपने त्रिशूल से तो गर्दन कट गई मर गया. पार्वती बाहर आई निकल के देखा मेरा बेटा मरा पड़ा है. ओके. शिवजी को अपने उसके पश्चाताप हुआ. अच्छा. तो वो कहते हैं चल मैं इसको जिंदा करता हूँ रुक जा. Okay. तरीका अब इसका. अच्छा. सर तो मैं इस पर नहीं जोड़ सकता. Okay. पता नहीं क्या लॉजिक था क्यों नहीं जोड़ सकता. अच्छा. पर ये तो सर मैं उसके ऊपर नहीं जोड़ सकता. पर एक काम करते हैं कोई और सर लाके इसके ऊपर जोड़ते हैं वो जुड़ जाएगा वो इसको जोड़ेगा. अच्छा. तो ढूंढने के लिए भेजा आपने उनको सेवक को. अच्छा. कि जो भी माँ अपने बेटे से मुँह फेर कर सोई हो करवट दूसरी तरफ लेके सोई है उस बच्चे की गर्दन काट के ले आओ. ओके. मतलब वो बच्चे को प्यार नहीं करती तो वो. अच्छा. दुख भी नहीं होगा. देखो कितनी बेवकूफी वाली बात. हथनी जो थी वो मुंह दूसरी तरफ फेर करके सोई हुई थी अपने बच्चे. अच्छा. से की गर्दन बच्चा नहीं देखा उन्होंने जान मिला नहीं ना. अच्छा. मिला नहीं तो फिर वो गर्दन काट करके ले आए लाके जोड़ दी गणेशा विद एलिफेंट पीस. अब कंपनसेट करना था पार्वती को खुश करना था तो वरदान दिया कि बेटा जब भी तुम्हारे में कोई भी काम शुरू किया जाएगा मुझसे पहले या किसी से भी पहले तेरी पूजा होगी तेरी आरती होगी. तो कुछ भी काम करने से पहले ओम गणेशाय नमः का पाठ गणेश की आरती उनको वो करना वो सब होता है. अच्छा. तो गणेश की इम्पोर्टेंस बहुत ऊपर चली गई. नए गोड आए थे ना. अच्छा. वैल्यू बढ़ाने थी कंपनी नई खुली थी तो स्टोरी ऐसी क्रिएट की कि बेटा कुछ भी नया काम शुरू होना है. वैसे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है डू पीपल लाइक यू एंड अदर
रेज क्वेश्चन अगेंस्ट दिस या मना है कि आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते? मना तो हर जगह से, किसको पसंद आता है क्वेश्चन रेज करना? हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग क्वेश्चन रेज ही नहीं करते, हमें पता है कि हमें क्या करना है। बेवकूफ़ लोगों से क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक बनता है? गंदी निकलेगा मुझसे, और वो उल्टा आप पाप कर दिया, तुमने पाप कर दिया है ना, ऐसे करने लगते हैं। क्योंकि वो मैंने एक और ये पीके से पहले जो एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, परेश रावल की, वो देखिए बेसिकली पीके उसका एक नेक्स्ट वर्जन था, मुझे ये लगा उसमें उसमें भी कॉन्सेप्ट अलग था। पीके जहाँ पर एक इस नज़रिए से था कि जो चीज हम देखते हैं जो होता है रिलीजन में, क्या उसमें कोई लॉजिक है? तो वो बोलता था कि लॉजिक है पर नहीं भी है। उसने कहा कि जो इस इंसान को, जिस गॉड को इंसान ने बनाया, जिस गॉड ने हमें बनाया, इंसान को बनाया, दोनों में से सही क्या है? ये क्वेश्चन रेज किया। बाद में अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि भाई ये जो कंपनियां खुली कंपनियां जिन्होंने गॉड को बनाया वो सब बिजनेस है। जो दूसरी मूवी है ओ माय गॉड, वो कॉन्सेप्ट ये लेके आती है कि बिजनेस ऐसे ही चल रहा है, लोग ऐसे ही हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन खड़ा करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हैं गॉड के ऊपर, एक सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करो, बाकी सब छोड़ दो। तो परेश रावल ने जो रोल प्ले किया था वो एक ऐसे इंसान को प्रेजेंट करता है जो बिल्कुल नहीं मानता, यानी नास्तिक कहते हैं उसको। तो कैसे वो आस्तिक बनता है? खुद पे यकीन करके। देखो अल्टीमेटली गॉड ने हेल्प नहीं की, उसने खुद की हेल्प की, गॉड ने उसका साथ दिया। तो गॉड सॉल्यूशन लेकर के नहीं आया, सॉल्यूशन बन के आया उसके लिए। वो जस्ट वो बड़ा अच्छा, उसने पीके में उसने कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया कि यार दोनों अच्छे कंपनीज आपके डर को इस्तेमाल करके ये आपको, आपसे कमा भी रहे हैं और आपको ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, और आप इन कंपनियों के बगैर भी मिल सकते हैं ऊपर वाले से। जरूरत ही जर्नी टू द गॉड स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। जितने भी हमारे मुस्लिम सूफी और जितने वो है ना, उनकी बुक्स जब आप पढ़ते हैं ना, बाबा भुल्ले शाह अजमेर, सबने यही बोला है, सबने कहा यार सूफीज्म सेल्फ पे है, सारी सेल्फ के ऊपर है, बौद्धिज्म सेल्फ पे है, जैनिज्म सेल्फ पे है। प्रॉब्लम ये है कि जो सक्सेसर्स आते हैं ना आगे, वो पढ़ते नहीं, वो और वो उस बंदे को मानना शुरू कर देते हैं, वो बिजनेस बनाना चाहते हैं, उनको पैसा कमाना है इससे। मैं जब इनके मैचेस देखता हूँ तो और बांग्लादेश भी जी, तो लोग बहुत ज़्यादा यानी टेंशन में बिल्कुल जो है ना, वो उनके चेहरों पे वो नज़र आ रहा होता है। तो हम पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि शायद इसकी ये वजह है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग होती है इंडिया में, ओके, तो शायद लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा डूब रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे होते हैं और वो चीज़ वहाँ पर क्राउड में नज़र आ रही होती है, लाइक आग लगाना और फेंकना, लाइक बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं इंडिया जब अक्सर वो मैच आ रहा था, स्पेशली इन द केस ऑफ पाकिस्तान, बोतलें फेंकना और इस तरह के जितने भी इवेंट हुए, और यानी कि अगर ये ना भी हो आग वगैरह के इवेंट, तो फिर भी वो जो एक फैक्टर होता है वो जो नज़र आता है उसकी क्या है? तो हर तरह के लोग हैं, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं कंट्री मतलब क्रिकेट के साथ। हाँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मनी हार विद पाकिस्तान और देयर लॉस ऑफ मनी, और दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द क्रिकेट एंड देम, बिकॉज वो तो आईपीएल में डेली हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हार रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ नज़र आती है जब पाकिस्तान से हार होते हैं, हम लिटरली जिस तरह जब जितने भी वर्ल्ड का मैच हुए हैं हर दफ़ा हारते हैं, और हमें पता था यार जीत गए तो जीत गए, हमने तो हार नहीं हारा इंडिया से, तो हम तो हार का जेन में बना के मैच देखते हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप पर वी नेवर टेक सो सीरियस मैच। लेकिन जब बांग्लादेश और इंडिया को देखते हैं, खिलाड़ी ज़मीन पर रो रहे होते हैं, वो कहते हैं यार क्या हो गया है यार, एक मैच था। लोग कहते हैं नहीं, इन लोगों को इंडियन प्लेयर्स बड़ी जो है ना वो मार पड़ेगी, मीडिया इनकी बड़ी खिंचाई करेगा, ऐसा है नहीं। क्रिकेट इज़ द सेकेंड रिलीजन ऑफ द कंट्री। हाँ, ये तो है। सो इंडिया का हाँ है, हम लोग सिर्फ क्रिकेट देखते थोड़ी ना, क्रिकेट जीते पूछते हैं, क्रिकेट जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, स्पेशली जब वो पाकिस्तान के साथ होता है तो फिर तो रिलीजन क्रॉस कर देते हैं, फिर तो सड़कें सुनसान, आधे काम तो होते ही नहीं है उस दिन। यार इंडिया अच्छा, हमारा होता जरूर है इंटरेस्ट इंडिया का, हाँ, लेकिन हम कभी सीरियस नहीं लेते, बहुत है यार कोई बात नहीं, सबसे हार तो जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हारना तो था ही। तो हमने ये मूड बनाया, सबसे हार जाओ पाकिस्तान से नहीं हारना, हार गए तो वो असल में वही हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट है ना, लाइब्रेरी सट्टा मार्केट भी बहुत बड़ा है क्रिकेट में, बहुत पैसा है इंडिया का, सुना है बहुत बड़ा है, क्योंकि क्रिकेट में हर तरफ पैसा है, बारिश होती है बस। यस, वर्ल्ड कप में तो हारना मस्ट है,
मस्त सारे मैच चढ़ा। सही बात तो ये है कि जो वर्ल्ड कप में फाइनल में टीम पहुंच गई ना, वो दोनों ही विनर हैं। बहुत कैपेबिलिटी चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। असल में तो प्रेशर गेम है यार, इंडिया पाकिस्तान इज नॉट अ टेक्निकल गेम, इट्स अ प्रेशर गेम। कौन ज़्यादा प्रेशर में अच्छा खेल देता है, ये लक भी मैटर करता है। किसी का दिन है, किसी का नहीं है, ये मैटर करती है चीज़ें। पर दोनों टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रिकेट इज द रिलीजन, इट्स नॉट अ गेम ना।